अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही यूनिक रेसिपी, जिसे हम लच्छा पराठा भी कहते हैं। तो मैं आज आप लोगों को बहुत सारे तरीक़ों से सिखाऊंगी और सारे तरीके जो हैं वो बेस्ट हैं, आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करने हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि जो मैंने चौथा तरीका बताया है वो सबसे बेस्ट है, तो आप लोगों ने वो एंड में ही है, तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। तो आइए लच्छा पराठा बनाना शुरू करते हैं। लच्छा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हमने बाउल के अंदर 2 कप मैदा ऐड करना है। अगर आप लोग ज़्यादा पराठा बनाना चाहते हैं तो इसी क्वांटिटी को डबल कर लें। 2 कप मैदा डालने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून सेमोलिना, यानी कि सूजी। अगर आप लोगों को पराठे क्रिस्पी बनाने हैं तो आप लोगों ने ये लाजमी ऐड करनी है, और अगर आप लोगों को बिल्कुल सॉफ्ट पराठे पसंद है तो ये आप ऐड ना कीजिएगा। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून शुगर, पाउडर शुगर ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहें तो डाल लें, लेकिन ये जो है बहुत खूबसूरत कलर देती है पराठे को, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। इसके बाद 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर घी ऐड किया है, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसके अंदर 1/2 कप मिल्क ऐड किया है पराठे को एक ज़बरदस्त सा टेक्स्चर देने के लिए, इसे बहुत ही सॉफ्ट पराठा बनता है, तो आप लोगों ने ये लाजमी ऐड करना है। दूध ठंडा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसको हम अच्छे से गून लेंगे, एक अच्छी सी डो बना लेंगे। आप मुझे इसमें तकरीबन 1 कप से थोड़ा कम ही पानी यूज़ किया था मैंने। अगर आप लोगों को जितना भी रिक्वायर्ड हो, आपको बस इतना चाहिए कि आपकी एक सॉफ्ट सी डो बन जाए, ना ज़्यादा सॉफ्ट हो ना ज़्यादा हार्ड हो। शुगर जो है वो हम एक अच्छा सा कलर लाने के लिए ऐड करते हैं, उससे मिठास बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि हमने बहुत कम क्वान्टिटी में डाली है। अगर आप लोग चाहें तो ना भी ऐड करें, और सेमोलिना भी अगर आप लोगों को क्रिस्पी चाहिए तो ही ऐड करें। इसके बाद मैंने इसके ऊपर घी से ब्रश कर दिया है। आप लोग ऑयल लगा के इसको 10 मिनट के लिए रख दें। 10 से 15 मिनट मैंने इस डो को रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। अब ये अच्छी सी एक डो बन चुकी है, आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुई है, ना ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज़्यादा हार्ड है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। पेड़े आप लोग अपनी मर्ज़ी से साइज़ बना सकते हैं, जितना बड़ा पराठा आप लोगों को पसंद हो आप उतने बड़े साइज़ के पेड़े बना लें। तो ये मैं स्टैंडर्ड साइज़ के बना रही हूँ, इसी तरह मैं सारे बना के रख लूँगी। मेरी इस डो में 5 पेड़े बने थे, आप लोग ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो क्वान्टिटी को डबल कर लें। तो ये सारे पेड़े जो हैं वो हमने तैयार कर लिए हैं इसी तरह एक ही साइज़ के। अब जो है हमने, मैं आप लोगों को 4 तरीक़ों से सिखा रही हूँ। तो पहला तरीका जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने एक थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है ताकि ये चिपके ना। उसके बाद हमने एक डो जो है उसको फ्लैट करके रोलिंग पिन की मदद से अच्छे से बेल लेना है। जितनी आप पतली कर सकते हैं कर लें। इधर आप लोगों ने शेप को बिल्कुल भी नहीं देखना, भले से किसी भी शेप का आप लोग इसको बना लें। बेल लें पहले इसको अच्छे से। जब ये अच्छे से हो जाए तो इसके ऊपर हमने ऐड करना है घी 1 टेबल स्पून। इसको अच्छे से फिंगर्स की मदद से भी कर सकते हैं या फिर आप लोग ब्रश की मदद से भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, इससे एक अच्छी सी खूबसूरत सी लेयर्स बनती हैं। तो यहाँ तक जितना भी प्रोसेस है वो सेम रहेगा सारे पराठों में, बस यहाँ से तरीका चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको इस तरह से एक के ऊपर एक रख के फोल्ड कर रही हूँ, जिस तरह हम फ़ैन वगैरह बनाते थे बचपन में, इसी तरह से हमने इसको भी बना लेना है। तो घी के साथ मैदा डस्ट करने तक का प्रोसेस सबका सेम रहेगा। इसके बाद आप लोगों ने इसको दोनों हाथों की मदद से पकड़ के अच्छे से इसको इस पर टैप करना है, ढीला छोड़ के। ये साइज़ में बड़ा होता जाएगा, देखें ये अच्छे से बड़ा हो गया है। अब आपने इसके ऊपर घी लगा लेना है, थोड़ा सा हाथों की मदद से भी लगा सकते हैं। अब हमने इसको बिल्कुल अच्छे से रोल कर लेना है, ये आप देख सकते हैं अच्छे से आपने इसको रोल कर लेना है, और कितनी खूबसूरत सी ये लेयर्स आ रही हैं माशाल्लाह से। तो आप लोग भी इसको बना सकते हैं, जो बिगनर्स हैं वो भी आसानी से इसको बना सकते हैं। तो इसको बना के हम साइड में रख देंगे।
दूसरा तरीका जो है वो देख लेते हैं। यहाँ तक का प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया था, सेम रहेगा। घी लगाना है, उसके ऊपर आप लोगों ने मैदा डस्ट कर देना है। उसके बाद नाइफ़ की मदद से आप लोगों ने एक साइड पे सिर्फ कट लगाना है और इसको पकड़ के आप लोगों ने रोल कर देना है, एक कोन की शेप में बना लेना है। ये जो है सबसे इजी वे है जो कि हम लोग रेगुलर इसको यूज़ करते हैं, ये वाले वे को, तो आप लोग इससे भी बना सकते हैं। इसको इस तरह से कोन बनाने के बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता प्रेस कर दें। देखें ये लेयर्स बनती जा रही हैं, तो ये भी पराठा बहुत मज़े का बनता है। टेस्ट जो है वो सबका सेम रहेगा, ये आप देख सकते हैं लेयर्स। तीसरा तरीका जो है, मैंने इस पे घी के बाद मैदा डस्ट करने के बाद एक मोटी मोटी सी स्ट्रिप्स काट ली हैं, काफ़ी गैप दे दे के करी है मैंने इसको। तो अब हमने ये सारी स्ट्रिप्स काट ली हैं, इसके बाद हमने एक के ऊपर एक रखनी है। ये देखें साइडें जो हैं वो अच्छे से पहले आप काट लें इसको। अगर आप लोगों के पास पिज्ज़ा कटर है तो आप उससे भी काट सकते हैं। अब हमने इसको एक के ऊपर एक रख देना है, इससे भी माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत। एक के ऊपर एक लेयर रखने के बाद आप लोगों ने सेम प्रोसेस करना है, इसको वैसे ही टैप करना है ढीला छोड़ के, इससे ये साइज़ में बड़े हो जाएंगे और लेयर जो हैं वो माशाल्लाह से और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगी। तो हमने इस तरह करने के बाद इसको फिर से घी का ब्रश करना है, आप ऑयल से भी कर सकते हैं लेकिन घी से थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है। इसी तरह आप लोगों ने इसको रोल करना है। इस तरह से रोल करने के बाद आप इसको भी साइड में बना के रख दें। अब जो तरीका मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो बहुत ही यूनिक है और उससे सबसे ज़्यादा अच्छा अच्छा पराठा बन के तैयार होता है। तो आप लोगों ने इस तरह से कर लेना है कि नाइफ़ की मदद से उसी तरह आप लोगों ने बहुत ही बारीक, जितनी बारीक आप स्ट्रिप्स काट सकते हैं आप उतनी बारीक इसको काट लें। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं भी बहुत ही ज़्यादा बारीक इसकी स्ट्रिप्स काट रही हूँ। जितनी बारीक आप काटेंगे उतना ही अच्छा ये पराठा बनेगा। इसको हम फैनी पराठा भी कहते हैं, लेयर्स वाला भी पराठा हम इसको कहते हैं। तो ये देखें कितनी बारीक बारीक मैंने इसकी स्ट्रिप्स काटी हैं और मैं आप लोगों को ये वाला पराठा फ्राई करके भी दिखाऊंगी, फिर आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि इससे सबसे ज़्यादा अच्छी स्ट्रिप्स लेयर्स निकलती हैं। अब आपने नाइफ़ की मदद से इस तरह से इसको रोल करते जाना है। अगर आप लोग नाइफ़ से करेंगे तो काफ़ी फिनिशिंग से होगा, लेकिन आप लोग इस तरह से हाथ से भी कर सकते हैं जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, लेकिन नाइफ़ से करेंगे तो ज़रा फिनिशिंग से रहेगा, लेकिन मैं हाथ से कर रही हूँ। जिनको प्रैक्टिस हो वो हाथ से कर लें, अगर नहीं है तो आप लोग नाइफ़ की मदद से भी कर सकते हैं। हाथ से इस तरह से आप लोगों ने इसको रोल करते जाना है, एक दूसरे में चिपकाना नहीं है। ये आप देख सकते हैं हमने अच्छे से इसको कर लिया है। अब इसको उठा लें आराम से और इसको टैप टैप कर लें, अच्छे से इसको बड़ा कर लें। जितना बड़ा आप कर सकते हैं आप उतना बड़ा इसको कर लें। देखें इस तरह से आप लोगों ने इसको मारना है, टैप करना है सरफेस के ऊपर और आप लोगों ने हाथों के अंदर इसको रोल कर लेना है इस तरह से, जिस तरह मैं कर रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत पराठा तैयार होगा। आप लोग इसकी लेयर्स देख सकते हैं, देखें मैं आप लोगों को करीब से दिखाती हूँ कितनी बारीक बारीक लेयर्स आ रही हैं। तो अब मैं इसी पराठे को इस तरह से हाथों की मदद से जितना बड़ा आप लोग कर सकते हैं कर लें, अगर आप लोग हाथों की मदद से नहीं कर पा रहे तो आप लोग रोलिंग पिन का इस्तेमाल करके इसको बेल लें, अभी आपके पराठे गोल बनेंगे। अगर आप लोग बिगनर्स हैं, आप लोगों ने कभी पराठा नहीं बनाया, तो आप लोग जो भी इसको फर्स्ट टाइम ट्राई करेगा वो भी आसानी से इसको बना सकते हैं।
तो हाथों की मदद से जितना बड़ा आप लोग कर सकते हैं इसी तरह कर लें। अगर आप लोग रोलिंग पिन यूज़ करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। यहाँ पे मैंने तवा जो है वो प्री हीट कर लिया था और मैंने इसको तवे के ऊपर रख दिया है। मीडियम फ्लेम पे मैं इसको बनाऊंगी और ये देखें मैंने हाथों की मदद से हल्का हल्का कर लें प्रेस इसको, और इसको अब पलट देंगे हम। 15 सेकंड बाद हम इसको पलट देंगे। ये आप देख सकते हैं मैं इसको पलट रही हूँ, ये अभी हल्का हल्का हुआ है। इसको हम दूसरी साइड से भी पलट देंगे दोबारा से, और अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर घी लगाया है, और अब हम इसको पलट के घी वाली साइड से इसको पकाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। जब इसका एक तरफ से गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो हम इसको पलट के दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे, और आप लोग देखिएगा शुगर की वजह से कितना खूबसूरत कलर इसके अंदर आएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कलर आया है। तो इस तरह से सारी तरफ से पलट पलट के आप लोग इसको सेक लें, प्रेस कर करके जिस तरह से मैं कर रही हूँ, इससे पराठा जो है वो अंदर तक से सिक जाएगा। तो इसी तरह सारी तरफ से करके अब मैं इसको निकाल लूँगी और अब आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसी तरह हम दूसरा पराठा तैयार कर रहे हैं। ये वो वाला है जो मैंने कोन वाला बनाया था, तो इसको भी मैंने घी लगा के अच्छे से सेक लिया है। इसको भी हम निकाल लेंगे। तो आप लोग इसके ऊपर बटर डाल के सर्व कर सकते हैं। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी मैं आप लोगों को इसकी लेयर्स भी खोल के दिखाती हूँ, जो मैंने फेनी वाला लास्ट में बनाया था। सब में ही अच्छी लेयर निकलेंगी, लेकिन जो ये वाला पराठा था आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लेयर्स नज़र आ रही हैं। अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो तो इसी तरह से आप लोगों की भी आएंगी, बस आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। आप लोग इसको ब्रेकफास्ट में भी खा सकते, कबाब्स वग़ैरह जितने भी मैंने आपको सिखाए हैं उनके साथ भी ये पराठे बहुत ही मज़े के लगते हैं। या अगर आप लोग कीमा फ्राई के साथ भी खाना चाहें तो ये जब भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।